तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। भूल भुलैया 3 की तो भाई कल रात से इसकी एडवांस बुकिंग को स्टार्ट कर दिया गया था, एंड यहां पे सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग को अभी हाल फिलहाल में एक घंटा पहले स्टार्ट किया है। बुक माई शो पे मैं अभी देख के आया हूँ, दिल्ली में सिर्फ एक शो ओपन है और वो भी लिबर्टी का। लिबर्टी में सिर्फ 9:30 का सुबह, दोपहर में 3:30 का है एंड रात को 9:45 का है। दिल्ली में सिर्फ इसके अभी एक सिनेमा हॉल में 3 शोज मुझे लगे हुए दिख रहे हैं, और इसकी अभी थोड़ी देर पहले ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी सिर्फ सिंगल स्क्रीन का ही डाटा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे PVR और आईनॉक्स का यानी कि नेशनल चेन का डाटा अभी नहीं देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे वो भी हमें देखने को मिल जाने वाला है। आफ्टरऑल सुबह तक इसकी जो एडवांस बुकिंग है ना, वो प्रॉपर फुल फ्लैज में स्टार्ट होती हुई आप लोगों को दिख जाने वाली है। तो अभी इसके नंबर्स थोड़े से हमें बहुत थोड़े से क्या मैं कहूँगा कि अभी तो हमें मिल ही नहीं रहे कि इसकी अभी हुई कितनी है। इसकी अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है, सिर्फ अभी शोज यहाँ पे ओपन हुए, लोगों को अभी ठीक से पता भी नहीं है। अब यहाँ पे भूल भुलैया 3 का ये है कि हाँ भाई, इसकी स्टार्टअप एक अच्छा खासा हमें मिला है और इसकी एडवांस बुकिंग में एक अच्छा खासा उछाल हमें आता हुआ दिख रहा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी भूल भुलैया की भी जो एडवांस बुकिंग है वो भी पूरे तरीके से ओपन नहीं हुई है, पूरे तरीके से भी ओपन नहीं करी है इन्होंने। इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही यहाँ पे सिनेमा हॉल पे इन्होंने इजाज़त दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जगहों पे जो फुल फ्लैज होगी वो एक साथ होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि रिलीज से एक या दो दिन पहले, कुछ ऐसा भी हमने सुनने को मिलता है कि मूवी एक दिन पहले रात को 9:30 या 10 का पहला शो होगा। ये सिर्फ एक ही शो होगा रात को, जैसे कि हमने स्त्री 2 में देखा था। चलो वो तो एक मेकर्स की एक अपनी इच्छा है कि कौन यहाँ पे पहले आता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया को ये काम कर देना चाहिए, जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए व्यूवर सोच के चल रहा हूँ। क्योंकि हॉरर कॉमेडी है, और हॉरर कॉमेडी रात में अगर हम देखने जाते हैं पहला शो, तो भाई यहाँ पे मज़ा आता है। दिन में वो मज़ा नहीं आता, रात में वो मज़ा आ जाता है जो हमें स्त्री 2 में आया था। वो भी इन्होंने रात में ही पहला शो दिखाया था 9:30 का। अब यहाँ पे जिस तरीके से पूरे इंडिया में जो इसकी एडवांस बुकिंग दिख रही है होती हुई, कि जिस जिस जगह पे एडवांस बुकिंग हुई है, मैं वहाँ के आप लोगों को डाटा बताता हूँ थोड़ा बहुत ही है। दिल्ली में इसकी 7% की ऑक्युपेंसी है। दिल्ली में 112 शोज इसके अभी तक खुले हैं, 1 ऑलमोस्ट फुल है, 2 फिल इन फास्ट हैं, और 7,21,000 की एडवांस बुकिंग इसकी हुई है अभी। मुंबई की बात करें तो 89 शोज मिले हैं, 2 फिल इन फास्ट हैं, ऑलमोस्ट एक भी फुल नहीं है। 7% की इसकी भी ऑक्युपेंसी है, 4,73,000 की एडवांस बुकिंग इसकी अभी होती हुई दिख रही है। पूना की बात करें तो 65 शोज हैं, 2% की ऑक्युपेंसी है, 1.2 लाख की एडवांस बुकिंग है। हैदराबाद में 82,000 की एडवांस बुकिंग है, 15 शोज हैं। अहमदाबाद में 4,22,000 की एडवांस बुकिंग है, 165 शोज हैं। जबकि देखा जाए कि अहमदाबाद में ना मुंबई से ज़्यादा शोज हैं, और 4,22,000 की एडवांस बुकिंग है, जबकि मुंबई की 4,73,000 की है। इसका मतलब यह है कि मुंबई में क्रेज़ है गुजरात से ज़्यादा। चेन्नई में भाई अभी वही है ना, शोज ही इतने, 8 शोज हैं चेन्नई में, 10,000 की एडवांस बुकिंग है। सूरत में 74 शोज हैं, 2.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है। जयपुर में 8 शोज हैं, जयपुर में अच्छा रेस्पॉन्स है भाई, 2,25,000, यानी कि सिर्फ 8 शोज हैं और 2.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है। यानी कि राजस्थान में, क्योंकि जयपुर देखो ऐसा है, जयपुर में वो अपना राज मंदिर है, और वहाँ पर तो अनिल थडानी ने जान पूछ के, मतलब अपने ही ये समझ लीजिए कहने पे, राज मंदिर में सिर्फ भूल भुलैया ही लगी है, और सिर्फ 8 शोज हैं और 2.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी शोज हैं ना राज मंदिर के सारे भूल भुलैया वालों ने ही बुक कर लिए, क्योंकि वहाँ पे भूल भुलैया के अलावा और कोई सी लगी नहीं रही, क्योंकि राज मंदिर में वही है जहाँ पे अभी प्रमोशन करने ये लोग गए थे जयपुर में, ये वही है। एंड बात करते हैं देखो लखनऊ की, 2.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, सिर्फ 28 शोज लखनऊ जैसे एरिया में भाई, 2.5 लाख रुपए की, सिर्फ 18 शोज हैं, 18 शोज पे 2.5 लाख। अब आप ये देख लोगे अगर रेस्पॉन्स और अच्छा मिलता है, शोज मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या बवाल कटेगा। सिर्फ शोज, मतलब अगर शोज इसको और अच्छे मिलेंगे तो ये और अच्छा रेस्पॉन्स और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। जिस तरीके से भूल भुलैया की एडवांस बुकिंग अभी जो एक ओपनिंग देखने को मिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सिंघम की अभी ओपन नहीं हुई है। सिंघम और भूल भुलैया जब दोनों की एडवांस बुकिंग एक साथ बुक माई शो पे होगी ना, फिर देखने वाली बात होगी कि कौन सी मूवी ज़्यादा एडवांस बुकिंग करती है, क्योंकि अभी खुली नहीं है सिंघम की, तो हो सकता है कि पब्लिक सब्स्टिट्यूशन में भूल भुलैया की कर रही हो। खैर ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं आएगी, मूवी तो आएगी। तो देखा जाए कि ओवरऑल यहाँ पे सिंघम की एडवांस बुकिंग की जो खबर है ना, मैं यहाँ पे
भाई साहब इंतजार कर रहा था कि इसकी एडवांस बुकिंग जल्दी से स्टार्ट हो। अब हो तो गई है लेकिन बताने लायक नहीं है ना। अब यहाँ पे सुबह में ही पता लगेगा कि कितनी हुई है, फिर आफ्टरनून में जाके कुछ यहाँ पे नंबर्स आएंगे, फिर यहाँ पे हम 24 घंटे के बाद में बात कर सकते हैं कि इसकी कितनी हुई है। टोटल अभी भूल भुलैया के जो शोज़ हैं 1394 हैं, कुल मिला के 1400 भी शोज़ अभी इसको नहीं मिले हैं। तो 244 रुपये इसका मिनिमम टिकट प्राइस रेट है, 14341 इसके टिकट्स अभी बिके हैं, जिसमें देखा जाए कि 38,04,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड यहाँ पे जो ब्लॉक सीट्स जो होती हैं वो हैं 88,85,000 की, यानी कि कुल मिला के 1,00,000 के आसपास या 1,00,000 में 12-13 हज़ार ही यहाँ पे, 1 करोड़ में 12-13 लाख ही कम है ब्लॉक सीट्स की अगर बात की जाए तो। लेकिन चलो ब्लॉक सीट्स एक अलग हो गए, हम एक नेट डाटा की बात करते हैं। 38 लाख रुपये की अभी एडवांस बुकिंग हुई है, 14,341 अभी इसके टिकट हैं। और देखा जाए कि अभी पूरे तरीके से ये जो मैंने आप लोगों को अभी नंबर बताया ना, ये है सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंड सिनेपोलिस के। अभी पीवीआर आइनॉक्स में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, हुई है तो बहुत कम हुई है। तो जैसे होगी वो यहाँ पे क्लियर होगा, फुल फ्लैश अभी एक पोस्टर आएगा दोनों ही मूवीज़ की तरफ से, कि सिंगम वालों की तरफ से भी और इस तरफ से भी, कि भाई हमने और एडवांस बुकिंग ओपन कर दी। बस फिर वहाँ से धीरे धीरे शोज़ जो है ओपन होते चले जाएंगे, हर सिनेमा हॉल मालिक हर एग्जिबिटर धीरे धीरे बुक माई शो पर अपना नंबर रखता जाएगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।